सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के खिलाफ ईशान किशन हुए अजीबोगरीब तरीके से आउट, बल्लेबाज आउट हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। जी हां, आईपीएल 2021 में खेले गए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले में मुंबई के बल्लेबाज ईशान किशन अजीब तरीके से बोल्ड हो गए। आईपीएल के 13वें मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा की शुरुआत तो अच्छी रही, परंतु दूसरे सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक जल्द ही पवेलियन लौट गए। दिल्ली की धारदार गेंदबाजी के आगे मुंबई इंडियंस एक निश्चित अंतराल पर अपना विकेट गंवाती गई। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट अमित मिश्रा ने लिया। मिश्रा ने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटका दिए। परंतु मिश्रा जी का एक विकेट चर्चा का विषय बन गया और वो था ईशान किशन का बोल्ड होना। दरअसल मुंबई की पारी के 18वें ओवर में अमित मिश्रा की तीसरी गेंद ईशान किशन के बिल्कुल पैर के पास गिरी, लगभग यॉर्कर गेंद की तरह। उसके बाद गेंद वहां से उछलकर सीधा विकेट के बेल पर जा गिरी। इस आउट को किसी ने भी नोटिस नहीं किया, सिर्फ बल्लेबाज और विकेट कीपर को ही पता चला। ईशान किशन भी हैरान रह गए अपने आउट होने पर। वैसे आपको बता दें, ईशान किशन ने 26 रनों की पारी खेली। ईशान किशन के इस अजीबोगरीब आउट पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दें और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।